everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. This is me, Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में लोकेटेड हमारे प्रोजेक्ट SG शिखर हाइट्स में. सो जैसे कि मैं लोकेशन में आपको बता चुकी हूँ, इन प्रसाइज अगर मैं बोलूँ तो ये आपका सेक्टर 4 सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है. बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है. प्रोजेक्ट हमारा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जिसके बिल्कुल सामने ही 47 एकर का थीम पार्क है. विद दैट प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको 70% ओपन एरिया मिल रहा है. रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, पोजेशन के बिल्कुल नजदीक है. इसी साल के सितंबर में इसकी पोजेशन मिल जाएगी. एंड ओवरऑल एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. ट्रस्टेड बिल्डर है SG शिखर हाइट्स के, जिन्होंने सारे अपने प्रोजेक्ट बहुत ही टाइम से डिलीवर किए हुए हैं. सो अब मैंने आपको प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है. चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रोजेक्ट की साइट पर और इसे हम साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं. गाइस, मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन पर आ चुकी हूँ. दिस साइट इज SG शिखर हाइट्स. गौर सिद्धार्थम के बिल्कुल सामने है हमारा प्रोजेक्ट. एंड जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे अच्छी चीज, बेस्ट थिंग है इसकी लोकेशन. सिद्धार्थ विहार के मिड में लोकेटेड है हमारा प्रोजेक्ट एंड बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है आपको. NH24, NH51 यहाँ से इजिली एक्सेसिबल है. प्रोजेक्ट से आप दिल्ली, मेरठ, नोएडा बहुत ही आसानी से जा सकते हैं. इंदिरापुरम बिल्कुल नजदीक है, वसुंधरा बिल्कुल नजदीक है. GPS स्कूल प्रोजेक्ट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है. साथ ही साथ जितने भी मेजर हॉटस्पॉट्स हैं एंड लोकेशंस हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. प्रोजेक्ट से आपको दो मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टिविटी मिल रही है. एक तरफ शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है जो कि यहाँ से लगभग आपका 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा. दूसरी तरफ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जो कि यहाँ से हार्डली आपका 7 से 10 मिनट के ड्राइव पर रहेगा. सो गाइस, ये तो थी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का अपडेट देते हैं. साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ का एक सैम्पल अपार्टमेंट भी दिखाऊंगी. तो चलते हैं अब हम प्रोजेक्ट के अंदर. गाइस, SG शिखर हाइट्स 4 एकर लैंड पैच में बना हुआ है. ये 2 साइड ओपन प्लॉट पर बना हुआ है जिसमें कि टोटल आपके 4 टावर्स रहेंगे. टावर हाइट की बात की जाए तो सारे टावर्स जो रहेंगे आपके S+23, 24 एंड 25 के कॉन्सेप्ट पर रहेंगे. यहाँ पर 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं. पूरे प्रोजेक्ट में आपकी इन टोटल 2 एंट्री एंड 2 एग्जिट्स रहेंगी. टोटल यूनिट्स की भी बात की जाए तो इन टोटल यहाँ पर 682 यूनिट्स अवेलेबल है. साथ ही साथ जो 3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे उनमें आपके 6 फ्लैट्स पर फ्लोर रहेंगे एंड जो 2 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स है उसमें आपके पर फ्लोर 8 फ्लैट्स रहेंगे विद 3 लिफ्ट्स ईच. साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट है ये आपका लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है एंड कंस्ट्रक्शन आप मेरे पीछे देख सकते हैं. प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल पोजेशन के नजदीक है. सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है. पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका कम्प्लीटली MyOne फ्रेमवर्क से बना हुआ है. मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं. MyOne फ्रेमवर्क से कंस्ट्रक्शन की गई है. एंड अगर पोजेशन की भी बात की जाए तो इसके 2 टावर कमिंग सितंबर में डिलीवर हो जाएंगे जिसका पोजेशन दे दिया जाएगा, दैट इज 2023 के सितंबर में. एंड जो रिमेनिंग 2 टावर्स है उनका नेक्स्ट ईयर 2024 सितंबर में पोजेशन दे दिया जाएगा. जिसका साइज रहेगा 1920 square feet एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस टू द अपार्टमेंट. नाउ लेट्स गो इनसाइड.
गाइस दिस इज अ सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन मिल रही है, विद दैट सारे रूम्स में आपको कबर्ड्स फिटेड मिलेंगी एंड दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस टू योर 3 BHK अपार्टमेंट। यहाँ देखिए आपको बहुत अच्छा फॉयर एरिया मिल रहा है विद अ वेरी ह्यूज डोर एंड डोर के बिल्कुल सामने रहेगा आपका सर्वेंट रूम। सो लेट्स गो इनसाइड इट फर्स्ट। दिस इज द सर्वेंट रूम जिसमें आपको एक अटैच वॉशरूम मिल रही है। ये आपका अप्रॉक्स 77 स्क्वायर फीट का सर्वेंट रूम है। With that, यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस भी मिल रहा है। That means आपके सर्वेंट डायरेक्टली यहाँ से आपके किचन में जा सकते हैं। फर्दर फॉयर एरिया के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका बहुत ही क्लासी एंड बहुत ही एलिगेंट ड्रॉइंग एरिया। सो दिस इज द ड्रॉइंग एरिया। लुक एट द साइज, इट्स अ वेरी स्पेशियस ड्रॉइंग एरिया। If I say about the size, तो ये रहेगा आपका 12x17 square feet, which is a very good size. काफी open यहाँ पर आपको drawing area मिल रहा है. With that, for the purpose of ventilation, there is also a balcony over here. यहाँ पर आपको एक balcony मिल रही है, private balcony in the drawing area. Drawing area के बिल्कुल next रहेगा हमारा dining area. So this is the dining area. Again, मैं इसके साइज की बात करूं तो this will be in 9x9 square feet, which is again a very good size for a dining area. यहाँ पर आपको पूरा dining area मिल रहा है। Dining area के बिल्कुल ही पीछे रहेगी हमारी modular kitchen. So this is your very beautiful modular kitchen. आपको यहाँ पर open kitchen मिल रही है and like I said in the starting, ये आपको fully complete modular kitchen मिल रही है. So whatever you are seeing, same will be provided to you. ये सारे cabinets जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आज इस आपको डिलीवर किए जाएंगे। पूरी कंप्लीट आपको मॉड्यूलर किचन मिल रही है विद दिस ब्यूटीफुल चिमनी। आई एम लविंग दिस अपार्टमेंट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशियस अपार्टमेंट। वी हैव सीन द ड्रॉइंग एरिया, वी हैव सीन द डाइनिंग एरिया, वी हैव ऑल्सो सीन द किचन। अब मैं आपको यहाँ के बेडरूम्स दिखाऊंगी। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के मास्टर बेडरूम में, विच इज ओवर हियर। And this is your grand master bedroom. इसके साइज की हम बात कर लेते हैं तो ये रहेगा आपका 14x11 square feet के साइज में, which is a very good size. आप वीडियो में खुद भी देख सकते हैं काफी spacious and काफी open आपको ये bedroom मिल रहा है। Perfect master bedroom है ये आपका। And साथ ही साथ आप इस तरफ देखिए तो यहाँ पर मिल रही है आपको full wall length cupboard. ये cupboard आपकी included रहेगी। बहुत ही pretty cupboard है। इसके अंदर हम स्टोरेज एरिया भी अगर हम चेकआउट करते हैं देन अगेन काफी अच्छा आपको यहाँ पर स्टोरेज एरिया भी मिल रहा है। सो लाइक आई सेड, ये आपका सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। दैट मींस ये चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। एंड इसके नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर रहेगी आपकी बालकनी। बेडरूम में आपको एक प्राइवेट बालकनी मिल रही है विच इज इन अ वेरी गुड लेंथ एंड ब्रेथ। ये आपकी 7 feet वाइड बालकनी रहेगी। गाइस डाइनिंग एरिया की आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको खाली स्पेस मिल जाता है, खाली एरिया मिल जाता है जिसके अराउंड हमारे बेडरूम्स हैं। सो ये बहुत ही अच्छा स्पेस है एंड इसको अगर आप चाहें तो अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सो वी हैव सीन द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के नेक्स्ट रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 2। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। इसकी हम सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं तो दिस विल बी इन 12x10 square feet, which is again a very decent size. बहुत ही अच्छा इंटीरियर कराया हुआ है इस बेडरूम में। एंड इस तरफ आप देखें तो ये रहेगी आपकी फुल वॉल लेंथ कबर्ड। ये कबर्ड आपको इस बेडरूम में फिटेड मिल रही है। एंड यहाँ पर रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम। अगेन वॉशरूम भी बहुत ही डिसेंट साइज में आपको मिल रहा है। पूरी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम मिल रहा है। मिरर आपका इंक्लूडेड रहेगा। टाइलिंग आपकी सेम एज इट इज रहेगी। With that, आप यहाँ के फ्लोर की टाइलिंग देखिए तो वुडन टेक्सचर की आपको यहाँ पर इस बेडरूम में फ्लोर की टाइलिंग मिल रही है। सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी पूरी लाइटिंग्स के साथ। एंड उसी के साथ साथ इस बेडरूम में भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल रहा है। ये जो बालकनी है ये आपकी 7 feet वाइड बालकनी है जो की फर्दर आपके बेडरूम नंबर 3 के साथ भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये एक कॉमन बालकनी है। एंड उसी के साथ बेडरूम नंबर 2 के बिल्कुल नेक्स्ट रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 3। So this is your bedroom number 3. This will be in 12x11 square feet. Again, a very decent size. आप वीडियो में देख सकते हैं। And यहाँ पर भी आपको एक कबर्ड मिल रही है। ये फुल वॉल लेंथ कबर्ड आपकी फिटेड रहेगी। This is included in the bedroom. And styling आपकी same as it is रहेगी। Proper lighting के साथ आपको ये bedroom मिलेगा। And this side is the access to your balcony.
यहाँ पर आपको 7 feet वाइड बालकनी मिल रही है, बहुत ही बड़े साइज में बालकनी मिल रही है with proper railing height. So guys, this was all about our today's project, SG Shikhar Heights, that is located in Siddharth Vihar, Ghaziabad. आपको ये project कैसा लगा? आपको ये खूबसूरत apartment कैसा लगा? हमें comments करके जरूर बताएं. मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा project है, सिद्धार्थ विहार के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है. लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट मतलब 5-star प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है एंड इसके प्राइसेस भी काफी ज्यादा रीजनेबल एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं. सो ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ की बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे. एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है या इस प्रॉपर्टी को विजिट करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. And इसी के साथ thank you so much for watching this video. I'll see you in some other video. Till then, subscribe to our channel Realty 360 Degree for more such videos.